जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नितेश जी के स्टडी आईक्यू पर। आज का टॉपिक हमारे यूपी जीके से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी SI मतलब उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो अब बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन ए लखनऊ में, बी गाजियाबाद में, सी वाराणसी में, डी कानपुर में। इसका आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में, मतलब उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 13, डी 18। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 18, मतलब उत्तर प्रदेश 18 संभागों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है? ऑप्शन ए जिलाधीश, बी कानून गो, सी तहसीलदार, डी आयुक्त। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिलाधीश, मतलब उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधीश कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल के, बी विधान परिषद के, सी मुख्यमंत्री के, डी विधानसभा के। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विधानसभा के, मतलब उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 405, बी 450, सी 480, डी 404। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 404, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को 404 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा, मतलब इन 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों के जवाब पता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी गढ़मुक्तेश्वर। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, मतलब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? ऑप्शन ए देवगढ़, बी कुशीनगर, सी वाराणसी, डी सोरो। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए देवगढ़, मतलब प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी बाबर। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो उसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए अकबर, मतलब उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए छपेली, बी नौटंकी, सी कर्मा, डी चौनफूल। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नौटंकी, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से नौटंकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? ऑप्शन ए जागर नृत्य, बी घरक रही नृत्य, सी सैना नृत्य, डी पाई डंडा। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पाई डंडा, मतलब उत्तर प्रदेश का जो पाई डंडा लोक नृत्य है वह गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए पासी, बी धोबी, सी कहारे, डी राजपूत। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजपूत, मतलब उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति राजपूत जाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? ऑप्शन ए आगरा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। इसका भी आंसर कमेंट करें।
तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, मतलब उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई ने, बी कुंवर सिंह ने, सी नाना साहब ने, डी तात्या टोपे ने। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रायबरेली, बी इलाहाबाद, सी बनारस, डी लखनऊ। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बनारस, मतलब 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता बनारस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? ऑप्शन ए जौनपुर, बी इलाहाबाद, सी आगरा, डी बनारस। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद, मतलब औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के इलाहाबाद नगर के निकट पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 12 जनवरी 1950 को, सी 14 फरवरी 1950 को, डी 16 फरवरी 1950 को। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी 1950 को, मतलब उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 12 जनवरी 1950 को पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, बी बांदा, सी हमीरपुर, डी ललितपुर। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ललितपुर, मतलब उत्तर प्रदेश में तांबा ललितपुर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन ए 22%, बी 15%, सी 17%, डी 19%। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22%, मतलब उत्तर प्रदेश में भारत की कुल लगभग 22% कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है? ऑप्शन ए 30.5%, बी 15.7%, सी 11.3%, डी 21%। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 21%, मतलब संपूर्ण भारत का लगभग 21% खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? ऑप्शन ए 50%, बी 68%, सी 80%, डी 60%। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 68%, मतलब उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग 68% आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राक और फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए बांदा में, बी झांसी में, सी हमीरपुर में, डी ललितपुर में। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बांदा में, मतलब उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट बांदा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? ऑप्शन ए बांदा, बी हमीरपुर, सी जालौन, डी ललितपुर। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बांदा, मतलब उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिले से निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल दोमट, बी जलोढ़ दोमट, सी बलुई दोमट, डी लाल व काली मिश्रित। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल व काली मिश्रित, मतलब उत्तर प्रदेश में लाल व काली मिश्रित मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉन प्लास्टिक फायर के लिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, बी जौनपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर, मतलब उत्तर प्रदेश में नॉन प्लास्टिक फायर के लिए मिर्जापुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ललितपुर, बी बांदा, सी हमीरपुर, डी मिर्जापुर। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में, मतलब उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी चतुर्थ, डी पंचम। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, मतलब उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? ऑप्शन ए खरीफ, बी जायद, सी रबी, डी ये सभी। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रबी, मतलब उत्तर प्रदेश में रबी के मौसम में सरसों की उपज की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? ऑप्शन ए निर्यात हेतु, बी सिरा उत्पादन हेतु, सी खाने और हुक्का हेतु, डी ये सभी। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी खाने और हुक्का हेतु, मतलब तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में खाने और हुक्का हेतु की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी तृतीय, डी द्वितीय। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रथम, मतलब भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए नहर, बी तालाब, सी अन्य स्रोत, डी कुएं नलकूप। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुएं और नलकूप के द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से कुएं और नलकूप द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए दिसंबर 1990, बी जनवरी 1992, सी अक्टूबर 1990, डी सितंबर 1991। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1990, मतलब उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण दिसंबर 1990 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर, बी शारदा नहर, सी आगरा नहर, डी निचली गंगा नहर। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शारदा नहर, मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए रामगंगा, बी भागीरथी, सी बेतवा, डी घग्गर। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेतवा, मतलब उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए गाजीपुर, बी आगरा, सी मेरठ, डी वाराणसी। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर, मतलब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1925, बी 1930, सी 1928, डी 1940। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा, मतलब इन 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों के जवाब पता थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।